भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और बिहार अकेला राज्य नहीं है, कम से कम 15 राज्यों में लोग कह रहे कि होना चाहिए। एनडीए की सरकार यहाँ है, मांगने वाले एनडीए के लोग, और देने वाला दिल्ली में एनडीए की सरकार वहां पर भी है। किसने रोका है आपको लेने से? आग जलाकर रखते हैं ताकि रोटी सेकी जाती रहे, इसको लेना देना नहीं है कुछ। राज्य के दायरे में जो बजट है जो खर्चा करना चाहते हैं कीजिए, जो बेनिफिट देना चाहते हैं दीजिए, रोक कौन रहा है आपको? जातिगत जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए भाई। कोई भी इंफॉर्मेशन जो सरकार को नीति निर्धारण में या उसके बेहतर टारगेटिंग में मदद करे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें राजनीति करने की जरूरत क्या है भाई? होनी चाहिए, उसको कराइए। अब इस पर रोज बैठक, किसी को कराना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, कराना किसी को नहीं है। इसको जैसे विशेष राज्य के दर्जे को लेकर राजनीति 10 साल से चल रही है, उसी तरीके से जातिगत जनगणना न मांग जो जो विपक्ष में बैठे हैं उनको कराना है, न सत्ता में बैठे हैं उनको कराना है, ये इसकी चर्चा बनाए रखनी है, बनाए रखनी है। और लोगों ने कहा भाई विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है इसलिए बिहार नहीं सुधर रहा है, तो आप समझिए कि एनडीए की सरकार यहाँ है, मांगने वाले एनडीए के लोग, और देने वाला दिल्ली में एनडीए की सरकार वहां पर भी है। किसने रोका है आपको लेने से? आप विशेष राज्य का दर्जा ले लीजिए, बिहार को सुधार दीजिए, तो लेकिन विशेष राज्य की दर्जे की चर्चा बनाए रखेंगे। किसी ने कहा भाई वो दे नहीं रहे हैं, हम तो मांग रहे हैं, तो मैंने पूछा भाई आप 2017 से एनडीए की सरकार है, 2017 से बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, आप मुझे सिलसिलवार तरीके से 2 घटना बता दीजिए जिस दिन मुख्यमंत्री यहाँ से गए हों कि आज दिल्ली नीतीश जी गए हैं सिर्फ और सिर्फ विशेष राज्य दर्जा की मांग करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए। एक घटना अगर कोई मुझे बता दे, एक डेट बता दे तो मैं मान जाऊंगा। साहब आप सुनते हैं कि आज सीटों की चर्चा के लिए नीतीश जी गए हैं, एनडीए में शामिल होना है कि नहीं होना इसके लिए गए हैं, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा के लिए नहीं गए हैं, तो ये क्या दिखाता है आपको? ये विशेष राज्य का दर्जा, जातिगत जनगणना, ये वो मुद्दे हैं जो आप आग जलाकर रखते हैं ताकि रोटी सेकी जाती रहे, इसको लेना देना नहीं है कुछ। भाई आपको जातिगत जनगणना करना है, विधानसभा सर्वदल से यहाँ पास हो गया, विधानसभा ने कर दिया, कैबिनेट में ले आइए ना भाई, दिक्कत क्या है उसमें? ठीक है कैबिनेट में ले आइए, लेकिन एक बात मैं और समझना चर्चा किए जाए, एक बात मैं और समझना चाहता हूँ, ये सेंसस जो है जनगणना है ये केंद्र का विषय है, ये जातिगत जनगणना यदि राज्य करा भी लेता है तो इसका लीगल सैंक्टिटी क्या हो? फिर मैं वही आपको बात, देखिए पहली बात की जातिगत जनगणना ये पहली बार नहीं हो रहा, पिछले यूपीए की सरकार जो पिछला सेंसस हुआ था उसमें भी जातिगत जनगणना की बात कही गई है, उन्होंने भी डेटा कलेक्ट किया था। अब ये अलग बात है कि डेटा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने उसको रिलीज नहीं किया, जिन लोगों ने रिलीज नहीं किया, जिन सरकारों ने पहले यूपीए और अब एनडीए, उनका कहना है कि जो डेटा उनको दिख रहा है, जो एनालिसिस हुई होगी या जो लोग भी उसको हैंडल कर रहे हैं उनको वो कुछ डिस्टॉर्टेड दिख रहा है, तो उनके मन में शायद ऐसी बात है कि इसको इसकी फिजिबिलिटी को लेकर कि भाई इसको कर पाएंगे कि नहीं सही तरीके से। जो लोग यहाँ कह रहे हैं कि करना चाहिए, और बिहार अकेला राज्य नहीं है, कम से कम 15 राज्यों में लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए, तो ये खाली जबरदस्ती के बिहार के नेता इस पर रोटी सेकना चाह रहे हैं, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना। और ये जो कहा जा रहा है कि सिर्फ एक कॉलम का मामला है, वो इतना आसान नहीं है, तो वही बात है कि आपको समझ है नहीं लेकिन ज्ञान दिए जा रहे हैं। भाई जातिगत जनगणना का एक पूरा प्रयास देश भर में पिछले सेंसस के दौरान किया गया, डेटा को कलेक्ट किया गया, उसको एनालाइज करने के बाद प्रिलिमिनरी तौर पे जैसा सरकार बता रही है कि उसमें कुछ डिस्टॉर्शन पाए गए, तो अब या तो वो अपनी जो कलेक्ट करने की या एनालाइज करने की जो विधि है उसको सुधार कर नए तरीके से करें, या अगर राज्य स्पेसिफिक अपना कुछ करना चाहता है तो राज्यों के पास 100 ऐसे तरीके हैं कि अगर आपने कहा सैंक्टिटी क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप अलग अलग रिजर्वेशन की व्यवस्था है, अलग अलग राज्य सरकारें स्कीम चलाती हैं, आप जातिगत जनगणना बिहार में करा लीजिए और उसके हिसाब से राज्य के दायरे में जो बजट है जो खर्चा करना चाहते हैं कीजिए, जो बेनिफिट देना चाहते हैं दीजिए, रोक कौन रहा है आपको? केंद्र ने ये कहा कि भाई हम सेंट्रली नहीं करा रहे हैं, आपको तो कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन भैया आपको कराना नहीं है, केवल कहना है, आपको इसकी चर्चा बनाए रखनी है। जैसे आपने विशेष राज्य दर्जा का चर्चा बनाए रखा है कि जब भी कोई कहे कि भाई काम क्यों नहीं हुआ, तो आप कह रहे विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो नहीं मिला तो आपने मांगा क्यों नहीं, मांगा नहीं तो धरने पे क्यों नहीं बैठते हैं दिल्ली में? भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और बिहार अकेला राज्य नहीं है, कम से कम 15 राज्यों में लोग कह रहे कि होना चाहिए। एनडीए की सरकार यहाँ है,
मांगने वाले एनडीए के लोग और देने वाला दिल्ली में एनडीए की सरकार वहां पर भी है, किसने रोका है आपको लेने से? आग जलाकर रखते हैं ताकि रोटी सेकी जाती रहे, इसको लेना देना नहीं है कुछ। राज्य के दायरे में जो बजट है, जो खर्चा करना चाहते हैं कीजिए, जो बेनिफिट देना चाहते हैं दीजिए, रोक कौन रहा है आपको?